सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ KTM ड्यूक 250। तो ये इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है। इससे पहले 250 सीसी में आपको बेसिक फ्रंट से आपको प्रोफाइल्स की बेसिक मिलती थी। अब इसमें जो चेंज किया है इन्होंने, पूरा LED यूनिट चेंज किया है, पूरा DRL और 6 LED का यूनिट चेंज किया है। ये एक 390 सीसी में आता था आपको ड्यूक में, तो पहले बिल्कुल बेसिक आती थी, नॉर्मल DRLs मिलते थे इस गाड़ी में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें चेंजेस करी है, सब आपको एक एक करके बताऊंगा मैं क्या क्या इसमें चेंज हो रखा है और कितनी पावर है इस गाड़ी में, क्या क्या हमने इसमें अलग से एक्सेसरीज में डलवा रखी है। तो सबसे पहले आप लोग इसका यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो ड्यूक 250 की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसमें आपको मतलब दो या तीन ही कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ये आप लोग देख रहे हो ब्लैक और ग्रे कलर का आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन है ये। तो एक और आपको स्टैंडर्ड ड्यूक का कलर मिल जाता है जो कि आपको ऑरेंज कलर में मिल जाता है। इसमें आपको अलॉयज़ जो है ऑरेंज में मिलेंगे और इसमें अलॉयज़ आपको ब्लैक में मिलते हैं। ब्लैक और ग्रे कलर का नया कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कलर कैसा लग रहा है। कुछ इस टाइप से दिखता है साइड प्रोफाइल गाड़ी का। तो KTM अपनी सारी बाइक्स में आपको स्टील थ्रेलिस फ्रेम देती है जो कि सुपर बाइक्स में भी यूज़ होता है, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर। ये फ्रेम स्लाइडर हमने अलग से लगवा रखे हैं आफ्टर मार्केट। यहाँ पे आपको बैली पेन मिल जाएगा नीचे, क्योंकि पूरा इंजन कवर कर जाता है, इंजन गार्ड भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ये रहा इंजन। तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है ओवरऑल गाड़ी का, कुछ इस टाइप से दिखता है रियर लुक। पीछे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप से दिखती है टेल लैम्प्स, फुल LED सेटअप का टेल लैम्प्स आपको इसमें मिल जाएगा। रियर मड गार्ड, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। तो रियर टायर साइज़ की अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलता है 150/60 R17 इंच के अलॉयज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। और ड्यूअल चैनल ABS भी कंपनी प्रोवाइड करती है इस गाड़ी में। ये रहा एग्जॉस्ट, यहाँ पे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। तो 250 सीसी में लिक्विड कूल इंजन आपको इसमें प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे USD फोक्स मिल जाएंगे आपको जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हैवी होता है, एकदम लीन वगैरह करने के लिए काफ़ी कंफर्ट देते हैं ये, और गड्ढों में भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। फ्रंट टायर साइज़ की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 110/70 R17 टायर्स, 110 mm का टायर मिल जाएगा आपको इसमें। तो अगर इंजन ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो ये एक सिंगल सिलेंडर फोर वेव लिक्विड कूल FIDOHC इंजन है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है 30 BHP और 9000 RPM के साथ, और टॉर्क जो मिलता है मैक्सिमम वो आता है 24 Nm का 7500 RPM के साथ। फ्यूल टैंक की अगर बात करेंगे तो 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो अगर फीचर्स की हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको मिल जाता है ड्यूअल चैनल ABS, LED टेल लैंप, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉच, टैकोमीटर, सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल गाड़ी में बस इतना ही। एक बार आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ मैं। एक्स शोरूम प्राइस की 2,17,000 से लेकर 2,30,000 तक जाती है, डिपेंड, और ऑन रोड प्राइस आपके डीलर पर डिपेंड करता है, लगभग 2,50,000 या 2,60,000 तक जाएगी आपके डीलर के हिसाब से। तो अगर स्पीडोमीटर की हम लोग बात करते हैं तो ये वही बेसिक स्टैंडर्ड स्पीडोमीटर कंपनी जो प्रोवाइड करती है, अपनी पुरानी KTM की सारी बाइक्स में आपको ये प्रोवाइड करती थी, कुछ इस टाइप से शो होता है, बहुत ही बेसिक है ये। मतलब जब से KTM ने अपनी गाड़ियाँ निकाली है तब से ये स्पीडोमीटर स्टैंडर्ड है। 390 में आपको हालांकि पूरा TFT डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफ़ी सारे इंडिकेटर शो करता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वो आता है, लेकिन ये बेसिक है, स्टैंडर्ड है। तो ये आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, टाइम और फ्यूल, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे काफ़ी सारे फीचर्स दिखा देता है। तो ये एक नेकेड गाड़ी है तो कुछ इस टाइप से आपका व्यू आएगा, मतलब आप लोग चलाएंगे तो कुछ टाइप से लुक आएगा। काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है इस गाड़ी की, काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग है। तो एक बार ही आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं। ये इसकी स्टॉक साउंड है।
ये रही इसकी स्टॉक साउंड। तो ओवरऑल गाड़ी में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ में मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। और आप लोगों को वीडियो के लेके जो भी सवाल हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। Come to me the